सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कैसे मल्टीप्लेयर को खेल सकते हैं। और गाइस, आप ये मल्टीप्लेयर जब ही खेल पाओगे अगर आप इस वीडियो के दिखाए गए सारे स्टेप्स को ए टू जेड फॉलो कर लेते हो। तो गाइस, एक भी स्टेप को मिस मत करना, और गाइस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वॉच करना, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं खेल पाओगे मल्टीप्लेयर। और गाइस, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए मल्टीप्लेयर खेलने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए, आपको दो डिवाइस चाहिए, मतलब ऑब्वियस है अगर मल्टीप्लेयर खेले तो दो डिवाइस होने चाहिए। और सेकंड चीज़ जो बहुत ज़रूरी जो सेटिंग है, जो आपको सेटिंग करनी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने गेम की जो सेटिंग्स है ना, जो मेन स्क्रीन पे आती है, आपको उनको ओपन कर लेना है। जो मेन सेटिंग्स है उन पे आपको देन आपको जाना है, उस पे प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ ऑटो अपडेट अनलॉक पैक्स लिखा हुआ, तो इसमें आपको ऑफ होगा, तो इसको आपको ऑन विद वाईफाई डेटा कर लेना है या मोबाइल डेटा, ठीक है। और गाइस, ये एक प्लेयर के लिए ज़रूरी है, मतलब जो फर्स्ट प्लेयर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो वाईफाई पे हो। बाकी जो अदर्स प्लेयर हैं, मतलब जो खेलने वाले हैं, वो चाहे डेटा पे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक प्लेयर वाईफाई पे होना चाहिए। आप इसके लिए हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो किसी के फ़ोन का, तो वाईफाई मतलब काउंट होगा वो। तो देन आपको जो स्टेप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है प्ले पे दबाना है और अपने फ्रेंड्स में मतलब ऐड फ्रेंड करना है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ ऐड फ्रेंड कैसे करते हैं। तो आपको जो आईडी है प्लेयर की जो खेलने वाला है उसको डाल देनी है। मेरे प्लेयर के नाम है 6906680, तो मैंने यहाँ डाली है। तो देन आपको ऑप्शन आएगा ऐड फ्रेंड का, ठीक है। आपको शो नहीं होगा, पता नहीं है क्या ग्लिच है, बग है कि नहीं, तो रिक्वेस्ट सेंड का ऐड मतलब आ जाती है पॉपअप करके। तो देन आपको ये हो जाएगी, एक आपको दो तीन बार फिर भी टैप कर लेना है। सो आपका जो सेकंड उस पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब रिक्वेस्ट जाएगी, उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपने जब एंड फ्रेंड पे कर दिया ना, तो वो उस पर रिक्वेस्ट चली गई और मतलब सब एड फ्रेंड हो गया वो। ऐसा कुछ नहीं है कि रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करे तभी आपका वो फ्रेंड है, ठीक है। तो देन आपको मैंने अभी कोई भी क्रिएट वर्ल्ड कर लिया ऐसे रैंडमली। सो इसमें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ सेकंड स्क्रीन पे। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और देन आपको यहाँ पे कमांड में मतलब सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको ये जो आपका फ्रेंड अगर वो ऑनलाइन होगा तो यहाँ आपको आ जाएगा, और इसको इनवाइट कर लेना है। तो देन आपको जो आपकी जो फ्रेंड होगा उसकी जो आईडी है, आपके जो फ्रेंड की आईडी है, वहाँ पे आपके फ्रेंड सेक्शन में मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आ गया हूँ अपनी आईडी पे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फ्रेंड में आपको मिल जाएगी उसकी इन्वाइट, मतलब तो आपको उस पर टैप कर देना है। देन आपका ये थोड़ी देर तक लोडिंग लेगा, अगर आप मतलब नई बार करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे, तो यहाँ पे आपका थोड़ी देर टाइम लगेगा कनेक्टिंग टू मल्टीप्लेयर गेम। एक हो सकता है आपका एक बार ना चले, आप रिफ्रेश करके रिस्टार्ट करके एक बार कर लेना। मेरा यहाँ हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। यहाँ पे फिर आपका आएगा लोकेटिंग सर्वर, तो वो आपका उसी जगह लोकेट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरा चल गया है माइनक्राफ्ट मतलब मल्टीप्लेयर, मैं आ चुका हूँ। दोनों स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, दोनों का पर्सपेक्टिव है। तो गाइज देखो, मैं हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, मतलब दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड है मेरा। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं, बिना किसी लैग के चल रहा है, बिना किसी इशू के चल रहा है। आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो गाइज, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका मल्टीप्लेयर बिना किसी लैग के, बिना किसी इशू के चलने वाला है। गाइज, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको एक फ्रेंड जो होगा उसका वाईफाई जो है कनेक्टेड रखना है, और बाकी आप चाहे तो किसी पे भी खेल सकते हो, मोबाइल डेटा हो या जो भी हो। सो गाइज, अगर आपको समझ आ गया हो कि कैसे मल्टीप्लेयर कर सकते हैं, तो गाइज जल्दी से जाओ खेलो मल्टीप्लेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज, उससे पहले अगर आपको वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा हो, या फिर कुछ डाउट हो या क्वेरी हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो गाइज वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं, उसके मोड्स, उसके एड ऑन्स। सो गाइज, बस दैट्स फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, सी अप। Are you just gonna take that? Make them take it all back.